हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, पावरफुल एंड लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। पहली बात तो यही है कि लव इनफाइनाइट चैनल में एक बार फिर से बता देती हूँ, बोर हो जाते होंगे जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये सुनने में सही लगेगा, बट जो रेगुलर हैं वो सोचते होंगे क्या मैडम आप एक ही सेंटेंस बार बार बोलते हैं। बताना पड़ता है ना हर वीडियो में, बहुत से लोग हर समय जुड़ते रहते हैं, इसलिए बताना पड़ता है कि लव इनफाइनाइट मेरा चैनल का नाम है और इस चैनल का नाम लव इनफाइनाइट है। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी, ट्विन फ्लेम एंड टैरो रीडिंग मिलेगी। ओके, आप लोगों को लग रहा होगा ये तो पागल हो गई आज तो लग रहा है। देखिए, सवाल आज किसी का नहीं है, लेकिन 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि अगर आप चूजन वन हैं, चूजन वन मतलब ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको किसी काम के लिए, स्पेशल काम के लिए चुना हुआ है, तो यू हैव टू नो और यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में जान लेना ज़रूरी है। जी हाँ, हम लोगों को, हम इन द सेंस कि अगर हम बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, बहुत ही एम्पैथेटिक हैं, बहुत टू सेंसिटिव हैं और हर चीज़ को बड़े ही पर्सनल वे में ले जाते हैं, किसी का दुख देख के हम भी दाड़े मार के रोने लगते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी भी है तो फिर मैं कुछ 10 पॉइंट्स इस तरह से लाई हूँ, क्योंकि आप एक पावरफुल और एक लवली सोल भी हैं, तो किस तरह से बैलेंस भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम सामने वाले के दुख में भी उसी तरह से रोने धोने लगेंगे तो उन्हें संभालेगा कौन? वो चीज़ धीरे 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 सीखने के लिए आपको मिलेगी। इस टाइम अगर ऐसा है तो आप ये ना सोचें कि वाह मेरी भी अच्छी क्वालिटी है, मैं भी उनके साथ मिलकर रोने लग जाती हूँ, तो ये मत सोचिए, उनको संभालने का काम आपका है, ये सोचिए। उस समय नहीं समझ में आता, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, किसी का कोई दुख हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो, उसके साथ रोने लग जाती थी, लेकिन रोना नहीं है, काम करना है। आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं, बिकॉज यू आर द चूजन वन। अब आपने, आपको चुना गया है किसी एक अच्छे काम के लिए। यू आर द ओरिजिनल मीन्स मास्टर कॉपी ऑफ योर सेल्फ। मास्टर कॉपी क्या, जैसे फोटो कॉपी होती है ना, बस वो मास्टर कॉपी आप हैं, फोटो कॉपी आपका कोई नहीं है, सिंगल कॉपी है, यूनिक कॉपी है, यूनिवर्स का बनाया हुआ यूनिक आपका है। हर किसी के जो फिंगरप्रिंट होते हैं सबके अलग कैसे हैं, इतने अरबों लोग हैं, हाँ इट मीन्स हर कोई यूनिक है ना, तो फिर क्यों नहीं समझते आप दूसरे, अपने आप को यूनिक, दूसरे की ही क्यों कंपेरिजन करते रहते हैं? एक्चुअली ये हमारा ताना बाना है सोसाइटी का, वो सिखाता है कंपैरिजन करना, घर से स्टार्ट हो जाता है कंपैरिजन। भैया को देखो, अपने दीदी को देखो, अपने उनसे सीखो, उससे सीखो, ये है वो है, करते करते हम कहीं कहीं नहीं रहते। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप अभी तक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, प्यारी सोल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, देखते जाइए, मेरी बकवास सुनते जाइए, थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं। पहली बात तो यही है कि आप एक मास्टर कॉपी हैं जो कि इंसान के रूप में है, बट एक बहुत ही प्यारी सोल है, ईश्वर ने आपको काम करने के लिए बुलाया है यहाँ पर, इसलिए आपने जन्म लिया है। ये नहीं कि दूसरों के साथ रोने धोने लग जाए, है ना, उनके दुख को बांटना है, चाहे आप कितने ही दुखी हो। अगर आप बहुत दुखी हैं तभी आप दूसरों के बहुत ज़्यादा दुख को समझ पाएंगे। ये मत सोचिए अगर मैं बहुत दुखी हूँ तो भगवान ने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है, अब तो मर जाने को जी चाहता है, ये मत सोचिए, ये मत कहिए, ठीक है। अगर आप बहुत दुखी हैं तो भगवान ने आपको दूसरों के दुख दूर करने के लिए बनाया है, पहली बात तो ये गांठ बांध लीजिए, और दूसरी बात कि डोंट कंपेयर विद एनीवन, चाहे आप कितने ही अच्छे हों, चाहे अच्छे होने के साथ साथ आप ऐसे भी हो सकते हैं बहुत ही क्रेजी, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही वियर्ड टाइप के, बहुत ही सेंसिटिव भी, तो आप जैसे हैं आप उसे स्वीकार करें। समटाइम आप बहुत बोल्ड मेकअप कर सकते हैं, समटाइम आप बहुत ही वेस्टर्नाइज ड्रेसेस पहन सकते हैं, बिल्कुल क्रेजी टाइप के लग, जैसे लोग कुछ भी नाम आपको दे सकते हैं, कुछ भी नाउन आपको दे सकते हैं, तो लेट देम डू देयर वर्क, उनको करने दें, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। आप सेंसिटिव भी हैं बट क्रेजी टाइप के भी हैं, तो जस्ट बी क्रेजी, डोंट कंपेयर विद एनीवन, ठीक है। थर्ड बात मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है एंजॉय करें, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंजॉय वट एवर, चाहे वो नेचर में जाना हो, ड्राइंग करना हो, पेंटिंग करना हो, डांस करना हो, वियर्ड समथिंग कुछ करना हो, इफ यू लुक्स लाइक वियर्ड कि ये कैसा चोटी बनाने का स्टाइल है, ये क्या है, तो कहने दीजिए, जस्ट बी लाइक यू, ऑथेंटिक बनने की कोशिश करें, आपको अच्छा लगता है ना आप वो करें।
फोर्थ बात यह है कि व्हाट मेक्स यू सैड, क्या चीज़ आपको दुखी करता है, क्यों आप अपसेट हैं, इसलिए अपसेट हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू चेंज, यू वॉन्ट चेंज समथिंग, तो क्या चेंज करना चाहते हैं उसकी तरफ जाइए। पांचवी बात यही कहूँगी कि आपको अपने आप को और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए और अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है कि इफ़ यू आर नॉट अ पार्टी पर्सन देन इट्स ओके, पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पार्टी में जाने से आपका दम घुटता है, आपको अकेले रहने में ही मज़ा आता है, तो फिर अकेले रहें। आपको मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ये कैसे इंसान है, देखो कहीं नहीं आते जाते हैं, आजकल के टाइम में कौन ऐसे रहता है, आजकल के टाइम में ये वो, व्हाट इज़ आजकल का टाइम। 50 साल पहले और 100 साल पहले भी हमारे पेरेंट्स और हमारे दादा वगैरह यही बोलते थे, आजकल के टाइम के बच्चे ऐसे होते हैं। तो आजकल का टाइम सबके लिए आजकल का ही टाइम है, ठीक है। और यू नो हु यू ट्रूली आर, बस ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट है, टैलेंट क्या है, आपका स्किल क्या है, ये आपको पहचानना होगा। नहीं समझ में आती तो आप जान सकते हैं टैरो रीडिंग के थ्रू, या अगर आपने ये जानना है कि लाइफ गोल क्या है आपका या सोल पर्पस क्या है, इस पर भी आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। तो 6 पॉइंट मैंने यही बताया कि टैलेंट क्या है, स्किल क्या है आपका, चाहे आपसे बेटर कोई भी हो। आप कहेंगे कि मुझे तो ना डांस बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप ये देखें ओ यार सामने वाली तो वो तो मुझसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा डांस करता है या करती है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो इसमें फिर आपने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन ना करें, आपको जितना आता है जैसा आता है, आपकी बॉडी जैसी भी हो, आपके अंदर टैलेंट है तो कीजिए, ठीक है। नंबर 7 यही कहूँगी कि लाइफ गोल आपका क्या है, मतलब 3D लाइफ में एज अ पर्सन आपको क्या करना है, आपके स्किल के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। अगर ये भी एस्ट्रोलॉजी से जानना है तो आप जान सकते हैं कि आपके व्यवसाय का स्वामी क्या है, आपको बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए, जॉब करना चाहिए तो किस तरह के फील्ड में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो किस चीज़ का पर्टिकुलर करें जिससे कि आपको 100% सक्सेस मिले, ओके। या सोल पर्पस क्या है, आप ये जानें कि सोल आपकी क्या चाहती है। दुनिया के हिसाब से तो काम तो कर लिया, प्रोफेशन आजमा लिया, लेकिन सोल क्या कहती है वो जानना है, तो वो भी आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। मेक अ सेटअप टुवर्ड्स इट। लाइफ गोल क्या है, सोल पर्पस क्या है, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, एंड देन एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन लिए तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, एक्शन तो लेना पड़ेगा। और क्या बताते हैं, नंबर 8 यही बताऊंगी कि व्हाट आर योर वैल्यू, आपके वैल्यूज़ क्या हैं। जो भी वैल्यू मीन्स किसी भी चीज़ को आप बिलीव करते हैं या डिसबिलीव करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जस्ट बी बियॉन्ड इट, बिलीव एंड डिसबिलीव से भी अगर आप ऊपर उठ गए फिर तो और भी मज़े की बात है। यस और नो से भी ऊपर उठ गए वो भी मज़े की बात है, ब्लैक एंड वाइट से ऊपर उठ गए वो भी मज़े की बात है, येन यांग से भी ऊपर उठ गए मीन्स बैलेंस आपने स्थापित कर लिया है। समझ रहे हैं बात को, थैंक यू सो मच समझने के लिए। नंबर 9, नो योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स किस तरह के हैं ये जानने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही सेंसिटिव हैं, चूजन वन हैं, एक बहुत ही पावरफुल सोल हैं, देन आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि आपको फ्रेंडशिप किन लोगों से करनी है, बॉय हो और गर्ल हो, ये डजेंट मैटर। क्यों, क्योंकि ये तो फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल बॉडी कह रहे हैं, बॉय है ये गर्ल है, वट एवर जो भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकते हैं, कोई थर्ड जेंडर भी हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट ये है कि आपकी सोल कैसी है, आपकी सोल किस चीज़ को अट्रैक्ट करती है, आपका सोल कौन से फ्रेंड्स को बनाना चाहती है जिससे कि आपकी सोल और इन्हेंस हो बल्कि नीचे ना गिरे, है ना। इफ़ यू डोंट हैव एनी देन इट्स ओके, अगर आप कहते हैं मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, इट्स ओके, सब कुछ ओके है लाइफ में, किसी का कुछ है किसी का नहीं है, किसी के पेरेंट्स हैं किसी के नहीं है, किसी के इन लॉज हैं किसी के नहीं है, किसी के हस्बैंड हैं किसी के नहीं है, इट्स ओके, किसी के पास जॉब है नहीं है, कोई बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली से है किसी के पास उतना पैसा नहीं है, इट्स ओके, सब कुछ ओके है, सब हमारे पास लाइफ का कर्मा का लेखा जोखा है, ऐवें ही रोते रहते हम। अगर हाँ पास लाइफ के बारे में भी आपने जानना है ना, तो आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन मेरा कार्मिक क्यों है, ये इंसान मुझे इतना धोखा क्यों देता है और इतना तकलीफ क्यों देता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा पिछले जन्म में, इस जन्म में तो मैंने इसके पैर ही धोए हैं, ये मेरे को क्यों डंडे मारता है, ये क्यों मेरे को इतना तकलीफ देता है, ये जानना है तो आप पिछले जन्म का जान लीजिए, पता चल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी कि आपने क्या किया था इनके साथ। अगर हर बहू ये जान लेना कि मेरी सास ऐसी क्यों, सच बता रही हूँ,
आपको समझ में आ जाएगा कि आपने उनके साथ क्या किया था। सबसे बड़ा ही वियर्ड और लवली रिलेशनशिप है सास बहू का, अगर आप जान लें तो, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ सब कुछ अपने बारे में। तो मैं सोचती हूँ ओ माय गॉड, मैं क्या क्या सोचती थी, क्या क्या सोचती थी, अंदर ही अंदर कुड़ती थी, तकलीफ़ में आती थी, पेन में आती थी, सबके बारे में सब कुछ जान के बड़ी तसल्ली हुई है। और गिल्ट भी रहा, रोना भी आया, लेकिन उससे भी बाहर आ चुकी हूँ कि ओके इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। पिछले जन्म में गलतियाँ की, माफ़ी मांग लो इस जन्म में, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, ठीक है ना। और नहीं पता है तो फिर जान लीजिए, ये चीज़ है ना, बस जब जागो तब सवेरा, मैं तो यही कहती हूँ। इसलिए मस्ती में रहती हूँ, और आप भी ऐसे ही मस्त रहें, चिल मारें, चिल इतना भी चिल ना मारें, लेकिन बाकी आपके अंदर जो अग्नि है, पैशन है, उसकी अग्नि जलाए रखें, ठीक है। और 10th मैं बताऊंगी, अगर आप बहुत ही पावरफुल और चूज़न वन सोल हैं तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सबसे ज़रूरी है लव, पीस एंड लाइट। व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ पीस एंड व्हाट इज़ लाइट, सब कुछ आपके अंदर है। सारे आंसर्स मैं ही थोड़ी ना दूंगी। 10th आंसर आपको खुद ढूंढना होगा कि व्हाट इज़ पीस, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ लाइट, ये सब कुछ आपके अंदर है। क्या आपने ये चीज़ पाई, और बहुत लोगों ने पा ली होगी, और आशा करती हूँ अगर पा ली है तो बहुत अच्छी बात है, उनमें से एक दो चीज़ भी पा ली है तो भी अच्छी बात है। पीस पा लिया, लव पा लिया, और आपको लग रहा है कि हाँ मैं अब रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश में हूँ। बेटर जो नहीं हो सकता, जस्ट लीव इट, अपनी रोशनी को पहचाने, अपनी लाइट को पहचाने। थैंक यू सो मच इतनी लंबी वीडियो को देखने सुनने के लिए। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी, और आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, अगर एंजॉय किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।